नमस्कार, मैं पीएन वाजपेयी। अपने यूट्यूब चैनल मैं पीएन वाजपेयी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट के बारे में। उसके अलावा आपका जो सीबीटी 2 का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है और आपके कितने मार्क्स हैं आंसर की देखने के बाद, तो आपको सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें रिजल्ट की, रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसको समझने के लिए आपको जो 2015 में एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी उसको समझना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से वहां पर प्रोसेस जो रहा उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 2015 में एनटीपीसी की आपकी वैकेंसी आई थी और उसकी जो ज्वाइनिंग हुई है वो 2018 में हुई, यानी कि जो पूरा प्रोसेस है वो आपका 3 साल में कवर हुआ है। और इसी तरीके से जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया वो इसी तरीके से कराया गया। देखिए, रेलवे का अभी तक अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपने अगर उसे एनालिसिस किया होगा, उसका जो भी उसकी मतलब रिजल्ट की प्रक्रिया है, जो एग्जाम लेने की प्रक्रिया है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो मैंने जिस तरीके से मैंने एनालिसिस किया है तो मैंने समझा है कि रिजल्ट निकालने में रेलवे डिले करती है। कोई भी रिजल्ट जो रेलवे ने अभी तक निकाले उनको आप देख लीजिए, रिजल्ट निकालने में डिले होती है। लेकिन जो उसके अगले वाला जो एग्जाम होता है, जैसे सीबीटी 2 का अगर एग्जाम लेना है तो ये मान के चलिए कि रिजल्ट के बाद मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 1 महीने का टाइम रेलवे देगी और उसी के बीच में आपका सीबीटी 2 का एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही प्रोसेस होने वाला है। जैसे जो भी लोग ट्विटर पे कंपेन चला रहे हैं, आपने भी देखा कि ट्विटर पे हम लोगों ने कंपेन भी चला लिया, ट्रेंडिंग भी करा लिया, लेकिन उससे कोई नतीजा नहीं हुआ। लोग मीटिंग भी कर रहे हैं जूम पे, लेकिन आपको भी ये बात पता है कि उससे रेलवे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पढ़ना होता तो वो अब तक दे चुके होते रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं जो रेलवे जिस तरीके से रिजल्ट निकालती है और एग्जाम लेती है, उसके प्रोसेस को अगर आप समझ लेंगे तो मुझे लगता है एक सही डायरेक्शन में आप काम करेंगे। देखिए, मेरा समझाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है आपको। अभी मैं डेट भी बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। मेरा जो कहने का मतलब है वो यही है कि आप डेट पे फोकस ना करके अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि 10 से 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाता है और सीबीटी 2 जो एग्जाम है उसकी डेट भी आ जाती है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरा जो कहने का मतलब है आपसे वो यही है। और ऐसा सीजीएल जो 2018 में हुआ था वो भी ऐसा हुआ था स्टूडेंट के साथ कि एग्जाम डेट नहीं आ रही थी, फिर उन्होंने एकदम से एग्जाम डेट दे दी थी। तो उसमें क्या होता है कि आप एग्जाम डेट के ही पीछे पड़े हैं और तमाम यूट्यूब चैनल वाले जो हैं वो भी बना रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज आ रहे हैं। तो मेरा जो पर्पज है वो यहाँ पे इस चैनल का व्यूज लाना नहीं है, मैं आपको एक सही वे बताना चाहता हूँ कि यही है आपका, कि आप ज्यादातर फोकस अपनी डेट पे मत करिए कि एग्जाम डेट कब क्या होगी, कब आएगा। तो मेरी आप सभी को एडवाइस यही है कि डेट के पीछे मत भागिए कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। अपने आप को इस टाइम पे यह है कि मजबूत करने का टाइम है और रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। और ऐसा ना हो कि रिजल्ट आरआरबी दे दे, उसके बाद सीबीटी 2 की एग्जाम डेट भी दे दे और आप प्रिपेयर ना हो और कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन आप ले सकते थे वो आपने अपना टाइम अपना यहाँ पे वेस्ट कर दिया। तो मेरा जो सजेशन है वो आप सभी को यही है कि अगर आपके मार्क्स 60+ बने हैं आंसर की देखने के बाद, तो आप 100% जो है अपने सीबीटी 2 की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पे अप्लाई होगा, सारी प्रक्रिया होगी। तो 60+ अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग जाइए। जो एग्जाम डेट क्या होगी या रिजल्ट कब आएगा, तो इसके पीछे मत भागिए, रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 2 से 2.5 महीने में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जो सीबीटी 2 का एग्जाम है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आरआरबी जो आपको टाइम देगी वो 1 महीने का टाइम देगी। अगर मैं बात करूं कि कब तक आपका रिजल्ट आएगा सीबीटी 1 का, तो ये मान के चलिए कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। देखो, सारा कुछ रेलवे बोर्ड पे डिपेंड करता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका अनाउंस हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में भी आ सकता है, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब रिजल्ट आपका आएगा उसके बाद सिर्फ आपको आरआरबी जो है 1 महीने का टाइम देगी अपना सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए। तो मेरा सभी से यही कहना है कि अगर आप यार सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये चीजें जो है वो सभी को, जितने लोगों ने सिलेक्शन लिया है उनको, ये सभी ने इस चीज को झेला है, चाहे 2015 वाले हों उन्होंने भी इस चीज को झेला है।
तो सिलेक्शन अगर आपको चाहिए तो अपने फोकस जो है वो प्रिपरेशन पे करिए, प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि अपने आप को तैयार रखिए कि एग्जाम जब भी हो आप अपना बेस्ट से बेस्ट करके आए, और वही लोग सिलेक्ट होंगे जो इस चीज में पड़े रहेंगे कि एग्जाम डेट क्या होगी, रिजल्ट कब आएगा, तो मुझे लगता है कि उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो मेरी आपको यही एडवाइस है, मैं यही एडवाइस आपको देना चाहता हूँ, और मेरा जो चैनल है उसका पर्पस भी यही है कि आप एक सही गाइडेंस में काम करिए। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन चाहिए तो आपको अपनी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। और यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैं करना चाहता हूँ कि अभी जो NTPC का आपका जो एग्जाम हुआ है CBT 1 का, उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है शिफ्ट बाय शिफ्ट, वो सारे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि CBT 2 के लिए वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, वो सारे मैं यहाँ पे कराऊंगा। जो बातें मैं आप तक डिलीवर करना चाहता था, मुझे उम्मीद है कि वो बात मैं आपको समझा पाया हूँ, और आप भी इन चीजों को कहीं ना कहीं इन चीजों से कन्विंस हो पाए होंगे और मेरी बात आप तक अच्छे तरीके से पहुंच पाई होगी। तो इन चीजों में मत पड़िए कि एग्जाम डेट क्या होगी, कब तक आपका रिजल्ट आएगा। देखिए रिजल्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है, रेलवे आपको चौंकाएगी और रिजल्ट एकदम आएगा, और आपका जो CBT 2 की जो डेट है वो उसके साथ ही आएगी, उसमें रेलवे आपको टाइम नहीं देगा। अगर आपको इस पर रिसर्च करना है, जितने भी एग्जाम रेलवे ने कराए हैं रिजल्ट देखिए और CBT 2 के बीच का गैप देखिए कितना है, रिजल्ट देने के बाद CBT 2 एग्जाम जो रेलवे ने कराया उसके बीच में गैप कितना है, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि CBT 2 की जो डेट है वो रिजल्ट के साथ ही आएगी, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो पूरा जो फोकस है इस टाइम पे प्रिपरेशन पे करिए, और ये भी मैं कह सकता हूँ आपसे कि पूरा 2 से 2.5 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट और CBT 2 एग्जाम, क्योंकि 7 लाख जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई होंगे आपके CBT 2 के लिए, और उन्हीं में सिलेक्शन होगा जितनी भी वैकेंसी है आपकी। तो फोकस करना है आपको अपनी प्रिपरेशन पे, प्रिपरेशन को अपनी मजबूत बनाइए, और ये चैनल आपकी एक जेन्युइन हेल्प करने वाला है, क्योंकि हमारा पर्पस व्यूज लाना नहीं है, हमारा पर्पस है कि हम आपको एक राइट डायरेक्शन दे सकें और एक राइट डायरेक्शन में आप काम कर सकें। तो उम्मीद है कि जो भी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस की वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादातर स्टूडेंट तक पहुंच सके। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।